अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? मैं ठीक हूँ, आप लोग सब कैसे हो? तुम कैसी हो? आज तो तुम बड़ी बिजी थी सुबह से। हाँ, मैं डाउन हूँ। आज डाउन हूँ मुझे। निसा निसा अजीजा इज वॉचिंग, बिल्किस खत्री, अस्सलाम वालेकुम। सिकंदर भट्ट इज हियर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी सर, तो आज हमारा लास्ट डे है सिल्वा का, सिल्वा का लास्ट डे, और हम टफ डे, सबसे मुश्किल काम। सबसे टफ डे है। सुबह से उसके बारे में हम लोग प्रेपरेशन कर रहे हैं। सो प्रिपरेशन कर रहे हैं सर, ताकि सुरेफा, लोगों की आज। अस्सलाम वालेकुम सर। आलम खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सिकंदर भट्ट, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम सर। नूरूज, वालेकुम अस्सलाम। सबको, वालेकुम अस्सलाम। आज आपका क्या, आप कितने एक्साइटेड हो आज सिल्वा के थर्ड डे पर? मैं एक्साइटेड हूँ, बिकॉज आज लोगों को रिजल्ट मिलेगा। इंशाल्लाह फिफ्थ डे, फिफ्थ डे, या ऑनलाइन इट्स फिफ्थ डे। फिफ्थ डे, 5 days हुए, हाँ और हम सोच रहे थे अब हमारे पास कोई टाइम नहीं है। हफ्ते से रमजान शरीफ शुरू हो जाएंगे, तो अब पता नहीं हम क्या कर सकते हैं। उरूज हफ्ते, सोचते हुए संडे हम संडे, हफ्ते से, तो सैटरडे से, ओए ओए सैटरडे से रमजान शुरू हो ओए जाएंगे, ओए। तो हमें फिर अब सारी चीजें रमजान। अच्छा, रमजान में हमने अभी डिसाइड नहीं किया, बट इन प्रिंसिपली हमने सोचा हुआ है कि हफ्ते में 3 दिन करेंगे हम। 10:30 बजे, 3 या 4 बजे, 4 दिन करेंगे। 3 दिन हम डिसाइड करेंगे, बट 10:30 बजे ना रात रात को। को 3:30 बजे, ताकि लोग तरावी वगैरह पढ़ के आ जाए, घर में सुकून से बैठे। तरावीज हो रही है। भाई घर में तो पढ़ेंगे ना लोग, जिनको बाहर नहीं जाना, तो हाँ लोग पढ़ेंगे। इबादत 3:30 बजे का टाइम वो है कि जब सारे घर वाले घर में होते हैं। इस वक्त वो फ्रूट्स वगैरह, क्योंकि खाना तो खा लिया होता है, तो फ्रूट वगैरह या बादाम पिस्ते वगैरह, ये जैसे जैसे आपकी आपके पास वसाइल है, उस लिहाज से आप कुछ खाते पीते थोड़ा बहुत। फिर वो टाइम होगा जब हम 40 मिनट्स के लिए हम सोचते हैं कि हम आएंगे, हाँ और अच्छा, मैं ऐसे जो रहूंगा। महंगाई बढ़ी नहीं, बड़ी हर रमजान में हम कहते हैं महंगाई बढ़ रही है। इस दफा तो ऑलरेडी बढ़ चुकी है, रमजान में बढ़ने के इंतकाशात हैं। पिछले रमजान मैं केले लेने गया, तो मुझे हैरत हुई, उसने कहा 150 रुपए। मैंने कहा भाई एक सोने का केला है 150 रुपए। रमजान से पहले वही केला 60 to 80 रुपीज का था। अब मसला ये है कि पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम ममालिक है, वो रमजान में स्पेशल ऑफर देते हैं, सेल्स लगती है। मतलब कनाडा में लगती है, यूएसए में लगती है, हमारे मुल्क में जो मुसलमान मुल्क है, वह रमजान में लूटा जाता है लोग। अनफॉर्चुनेटली बहुत बुरी बात है। यही तो फर्क है ना, कि अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, इस दोनों में बड़ा फर्क है। अच्छा सर, एक सवाल है, इनकसारी और आजी में क्या फर्क है, बुजदिली, बुजदिली में क्या फर्क है? सॉरी। अच्छा दोस्त, ये बड़ा जरूरी समझना। इनकिसारी एक ऐसी सिफत है जो नसीब वालों को अल्लाह ताला अता करता है। इनकिसारी का मतलब एक ऐसा शख्स शख्स जिसमें इखलाकी हौसला हो, मॉरल करेज हो। वो इसलिए झुक कर नहीं मिलता, या इनकिसारी का मुजाहरा नहीं करता कि उसको कोई फायदा है, बल्कि वो ये समझता है कि परवरदिगार जो है वो इनकिसारी को पसंद करता है, आजिजी को पसंद करता है। तो अल्लाह को खुश करने के लिए वो अपना रवैया इनकिसारी रखता है या आजिजी रखता है। बुजदिल आदमी वक्त के हिसाब से चलता है, यानी जहां उसे डर लगता है कोई उससे बड़ा आदमी है, ताकतवर है, तो उसके लिए मतलब होता है, उसका पर्पज होता है कि इस वक्त मैं इजहार करूं बुजदिली का, या अंदर उसके डर होता है। इनकिसारी जिसमें होती है उसमें डर नहीं होता, क्योंकि उसमें मॉरल करेज होता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप इनकिसार हैं, इनकिसारी आप में है, और लोग आपको बुजदिल समझते हैं, तो समझने जाएं, इनके सारी जिसमें वो बुजदिल नहीं होता, बड़ा मजबूत शख्स होता है। अच्छा, अक्सर जो बुजदिल होते हैं वो समझते हैं हमें इनके सारी हाँ, है। वो ये समझते हैं क्योंकि उनके पास कोई रास्ता नहीं है दूसरा। हाँ अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं कि जब आप, अच्छा एक बड़ा एक कॉमन स्टेटमेंट है, विच आई एम एक्चुअली सम आई वुड से आई एम वेरी मोर से अनॉयड बाय, आई वुड से इट्स बेटर अनॉयड, इरिटेटेड इज नॉट द राइट वर्ड, अनॉय करें, पीपल आर कॉलिंग यू ऑन फेसबुक एक्चुअली, सो प्लीज डोंट कॉल हिम ऑन फेसबुक बिकॉज इज लाइव। कि जब भी कोई शख्स अपना प्रॉब्लम लेकर आता है, या जब भी कोई शख्स अपनी को ईमेल करता है, अच्छा मैं यूजली ईमेल पे क्वेश्चंस लेती नहीं थी, फॉर इस वजह से मैंने लेना शुरू किया अभी। दे स्टार्ट देयर क्वेश्चन विथ, मैं तो मतलब मैं तो कभी बुरा नहीं करता या करती, लेकिन मेरे साथ बुरा होता है। यानी एवरी टाइम व्हाट वी आर डूइंग इज पॉइंटिंग फिंगर्स। कब आपने भी एक्सपीरियंस बहुत दफ़ा किया ना, कि जब पूछते कि जी प्रॉब्लम कहाँ है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ लेकिन बीवी में प्रॉब्लम है, मैं तो बिल्कुल सही हूँ लेकिन मेरी सास में प्रॉब्लम है, सो मैं बिल्कुल सही हूँ बच्चों में प्रॉब्लम है, तो इसके बारे में क्या कहोगे आप? बड़ा सिंपल सा है,
ये दुनिया एक कवानीन पे चलती है, कानून पे चलती है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ कर्मा, जिसको हम आमतौर पर लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट कहते हैं. जिंदगी में डेफिनेटली ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपको तंग कर सकते हैं, मगर आप में सलाहियत होनी चाहिए उन रिश्तों को निभाने की. जब आप नहीं निभा पाते उन रिश्तों को, जो आपकी जात में अपनी कोई कमजोरी हो, तो फिर आप उंगली उठाते हैं दूसरे की तरफ. याद रखें, जब आप किसी पे उंगली उठाते हैं तो एक उंगली तो सामने वाले की तरफ होती है, तीन आपकी तरफ होती है. तो हमेशा ढूंढें कि क्या मेरे रवैये में कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से वो शख्स मुझे प्रॉब्लम दे रहा है. व्हाट इफ आई चेंज माई सेल्फ, मैं अपने रवैये को चेंज करूँ तो शायद वो शख्स चेंज हो जाए. और हम बारह अपने एनएलपी और हिप्नोसिस वगैरह के वर्कशॉप में बताते हैं कि द ओनली थिंग इज चेंज एंड चेंज ब्रिंग्स चेंज. अगर आप चेंज चाहते हैं अपने रिश्तों में, अपने कारोबार में, अपने जॉब में तरक्की चाहते हैं, चेंज द वे यू थिंक, चेंज द वे यू वर्क. अगर आप इसको चेंज कर दें अपनी स्ट्रेटेजी सोचने की और काम करने की, तो आपको रिजल्ट डिफरेंट मिलेगा. अच्छा, इसी के रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, वो मैं आपसे पूछूंगी. एक और क्वेश्चन आया भी है, टुडे इज संडे, विल मेडिटेशन बी कंटिन्यूइंग? बिल्कुल वकार सरदार वकार साहब, तभी इसीलिए ऑनलाइन आए. संडे से मेडिटेशन की छुट्टी का क्या ताल्लुक है? So, क्या भूख नहीं लगती संडे को? हाँ, तो हम जरूर आएंगे. सर, हेयर हेडिंग करवा कर बहुत हैंडसम लग रहे हैं. अच्छा सर, जब हम ये कहते हैं कि इंसान जब किसी प्रॉब्लम में है, द फर्स्ट थिंग द पर्सन शुड डू इज चेंज. चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल एक रैंडम वो है, मिसाल है कि किसी का शौहर किसी को मारता है, या किसी की बीवी किसी को मारती है, वाइस वर्सा, राइट? और वो कहते नहीं यार, मैं इसके बारे में कोई एक्शन ना लूंगी. लड़का भी कहता ना, मैं कोई एक्शन ना लूंगी. अब उसके अंदर क्या सब्र होना बहुत ज़रूरी है, या किसी के एक्शन को दरगुजर करना उसको बढ़ावा देने वाली बात है? पहली तो चीज़ ये, सब्र को बर्दाश्त से तामीर ना करें. बर्दाश्त और है, सब्र और है. अच्छा, बर्दाश्त और सब्र में फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है. बर्दाश्त आदमी उस वक्त करता है जब वो कमजोर होता है, जब उसके पास कोई रास्ता ना हो, वो मजबूर है. जैसे बहुत सारी खवातीन हमारे माशरे में मजबूर है कि जी माँ बाप कहेंगे खबरदार हमारे घर वापस नहीं आना. जो होता है वो लफ्ज सब्र यूज करते हैं, मगर असल है बर्दाश्त. सब्र उस वक्त होता है जब इंसान के पास इख्तियार हो कुछ करने का, और वो एक आला मकसद के लिए, बड़े मकसद के लिए सबर करें. मिसाल के तौर पे एक खातून है, उसके पास इख्तियार है, वो पैसे वाली भी है, उसके माँ बाप भी कहते हैं तू छोड़ के आ जा, मगर वो सबर इसलिए कर रही है कि अगर मैं घर तोड़ती हूँ तो मेरे बच्चों के जहन पे असर होगा, तो वो सबर कर रही है, वो बर्दाश्त नहीं कर रही. इन दोनों में बड़ा फर्क है. सबर एक बहुत बड़ी क्वालिटी, और मैंने जैसे कहा कि शुक्र और सबर ये दो चीजें ऐसी है जो अल्लाह को बहुत पसंद है. जो शख्स शुक्र करता है वही सबर कर सकता है, और जो सबर कर सकता है वही शुक्र कर सकता है. ये दोनों इंसान की खसूसियात जो है वो अलग नहीं है, दोनों एक साथ मिली हुई. अच्छा, बहुत सारे लोग नींद का क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कुछ लोग डिप्रेशन और एंजाइटी का क्वेश्चन पूछ रहे हैं. सच में ये लाइव वीडियो का क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज इट नीड्स, इफ देयर इज अ प्रॉब्लम विच इज कॉजिंग एन अफेक्ट इन योर लाइफ, देन इट्स बेटर टू ईमेल हिम और टेक अ कंसल्टेशन और गो सी अ डॉक्टर, बिकॉज आप लाइव वीडियो पे वी कांट गिव यू. अच्छा, टिप्स के बारे में बता दो. आप हमेशा बोलते हो ये जो टिप्स है ना, क्या नींद आती क्या करें? ये देखें, ये हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, अगर तो कपड़े में दाग लग जाए तो उसके लिए तो टिप है, मगर इंसानी जहन में कोई प्रॉब्लम हो उसके लिए टिप काम नहीं करती. ये टिपों के पीछे मत जाए. पूरा पाकिस्तान, इंडिया, ये पूरा जो बड़े सगीर है ना, इसके अंदर टिप ने बर्बाद कर दिया. ये शुरू हुआ टीवी प्रोग्राम से, जब कोई खातून आती थी बूढ़ी, मुझे नाम याद नहीं, उरूज को याद है, बहुत मशहूर खातून थी, उन्होंने टोटके बताना शुरू किए, उन्होंने टिप बताने शुरू की. तो वो टिप खाने के हवाले से थी, वो टिप चेहरे को सफेद करने के हवाले से थी, खूबसूरती बढ़ाने से टिप थी. ये इंसानी जहन है, ये सब कुछ ये है, इसमें टिप काम नहीं करती. इसमें प्रॉपरली आपने ट्रीटमेंट करनी होती है. डॉक्टर के पास जाएं, साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, इलाज कराएं, कंसल्टेशन लें, थेरेपी लें, उसके बगैर काम नहीं चलेगा. अच्छा, एक सवाल है सर, आई वांट टू लर्न हाउ टू डू मराकबा. बस आप हमें ज्वाइन करें, आज आप आए. मराकबे के लिए आपको गाइडेंस बड़ी जरूरी है, गुरु के बगैर मराकबा नहीं होता. अच्छा, इसीलिए हम लाइव करवा रहे हैं, कम से कम आप शामिल हो जाएं, तो क्या होगा, आप मेरे साथ मुंसलिक हो जाएंगे. अच्छा, एक काम करें सारे जो इस वक्त लाइव हैं, शेयर दिस वीडियो सो दैट जब हम मेडिटेशन शुरू करें, सो वी हैव द क्रिटिकल मास नंबर विद अस. बीइंग योर स्टूडेंट व्हाइल फाइटिंग माय ईगो, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर लर्न दिस डिफरेंस. जज़ाकअल्लाह खैर फॉर योर एफर्ट्स टू एजुकेट. उसी सवाल का दूसरा हिस्सा था वो, सेम.
सेम ही सवाल था ये? अच्छा उर्दू से इंग्लिश में, तो मैं भूल गया। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, सवाल है कि जब हम जानते हैं कि हम अल्लाह की सिर्फ अल्लाह के तरफ से पाक रूह हैं और जब हम मराकबा करते हैं तो ये तस्वीर आप भी पढ़ लो, मुझे पढ़ने नहीं आ रहा। ये तस्वीर उजागर कराते हैं कि रूह जब एस्ट्रल प्लेन पे जाती है तो इसमें दूरी नहीं होती, यानी ड्यूअलिटी नहीं होती। मेरा सवाल ये कि कैसे जान सकते हैं कि अल्लाह हमसे नाराज या खुश होगा? ड्यूअलिटी ये सब इमोशन का वस्फ है, अल्लाह इनकी तमाम मनफी और मजबात जज्बात से आ रही है, इसको समझाएं। अच्छा ये सवाल ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि अल्लाह हमसे राजी है या हमसे नाराज है। देखिए आपका काम है, वैसे तो एक मौला कायनात का बड़ा खूबसूरत तो कॉल है कि जिंदगी में जब कोई मुश्किल आती है, कोई परेशानी आती है, चाहे वो माली नुकसान हो, नाचाकी हो, कोई बीमारी हो, कुछ सानिया हो, किसी की जवान औलाद चली जाए, तो जब कोई मुश्किल आती है ज़िंदगी में, परेशानी आती है, और अगर वो आपको अल्लाह की तरफ ले जाती है तो वो अल्लाह की तरफ से आपको एक नेमत है, और अगर वो आपको अल्लाह से दूर ले जाती है तो वो आपके लिए सज़ा है। ये पैरामीटर बड़ा खूबसूरत डिफाइन किया गया। तो अब आप देखें कि आप जो कुछ भी करते हैं क्या आप उस तरह से करते हैं जैसे रब चाहता है, और आप यकीन कीजिए रब आपकी खुशी चाहता है, वो आपको मजलूम नहीं चाहता कि आप मजलूम ज़िंदगी गुजारे। भाई तो हमने पता नहीं कहाँ कहाँ से चीज़ें सीखी है, हमने अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ मार दी है। तो अगर आप उस रास्ते पे चलते हैं जिस रास्ते पे वो खुश होता है तो वो खुश है, वो जाहिर है आपको आके तो नहीं बताएगा, इसका फैसला तो होगा जब आखिरत होगी। तो आप वो काम करें, हुकूकुल्लाह हुकूकुल्लिबाद, दो चीज़ें हैं, अल्लाह के हक पूरा करें जो कि हक है उसका, दूसरा इंसान के साथ जो रवाबित है आपके उसमें अखलाकियात काला मुजाहरा, किसी का हक ना मारे, किसी से झूठ ना बोले, किसी को धोखा ना दे, किसी का माल ना खाए, मिलावट ना करे, झूठ बोल के माल ना बेचे, जिस तरह हेल्प हो सके अपनी दौलत में से उन लोगों पे खर्च करें जिनको जरूरत है, अल्लाह खुश है। अच्छा सर, अल्लाह की खुशी तो मैं कहती हूँ सबसे आसान चीज है हासिल करना। जो हम ये सारे चक्रों में पड़े होते अपनी लाइफ के अंदर, ये कैसे हासिल कर लूँ, वो कर लूँ, जो शॉर्टकट्स निकाल रहे होते हैं कि लाइफ इजी हो, वो हमारी आखिरत मुश्किल कर रही होती है। असल में तो बड़ा आसान, जिंदगी बड़ी मैं हैरान हूँ किसी को समझ में क्यों नहीं आता कि ये आखिरी दीन जो कि मुकम्मल हुआ है ये सबसे आसान है, सबसे फ्लेक्सिबल है, इसमें सबसे ज्यादा लचक है। हिंदुइज्म में आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, इस्लाम में चार जायज़ है, जस्ट इमेजिन। हिंदुइज्म के अंदर औरत विवाह हो जाए तो सारी जिंदगी उसको क्या करते, किसी अच्छे मौके पर उसको नहीं लेके जाते, किसी शादी का मौका हो, वो कहते हैं बदशगुनी है। इस्लाम में ऐसा नहीं है, बेवा औरत रंग बिरंगे कपड़े पहन सकती है, हिंदुइज्म के अंदर सिर्फ वाइट कपड़े पहनती है। तो ये समझा जाए कि कितने खुश नसीब है आप, मगर आपने पता नहीं हमने क्या अजीब और गरीब चीज कर दी है, दीन को हमने रसूमात बना दी, सारी रस्म बना दी हमने, दीन के एसेंस को नहीं समझे। दीन को समझने के लिए इल्म जरूरी है, इल्म, उससे हमारा 700 साल से कोई रिश्ता ही नहीं है, इल्म कहीं और चला गया, हम कहीं और चले गए। शाइन जिया कह रही मेडिटेशन में अम्मी को याद रखी, क्या उनकी अम्मी बीमार है, अल्लाह उन्हें सेहत अता फरमाए। अच्छा अपॉइंटमेंट के लिए अजरा आप ताबिश मेरा नंबर लिख लो, व्हाट्सएप कर दें, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट इस वक्त हो रहे हैं डॉक्टर मुइज के, बट दैट वी आर डूइंग विद अ कॉज, सो दैट्स इट्स अ बिट, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी, आई सेंड यू द फ्लायर। अल्लाह पाक लव्स यू अनकंडीशनली, बेशक अल्लाह पाक लव्स यू अनकंडीशनली। अच्छा जो रमज़ान में हम बात कर रहे हैं, वो हम बात कर रहे हैं रात को 10:30 बजे वील कम लाइव, वी आर प्लानिंग अ होल प्रोग्राम विच विल स्टार्ट विद सर्टन थिंग्स दैट वील बी डूइंग एज पर द मंथ ऑफ रमज़ान एंड क्वेश्चन प्लस का क्वेश्चन आंसर्स। तो उसके लिए अगर कोई अच्छा नात खुआ इस वक्त हमें सुन रहा है तो काइंडली डॉक्टर मोइस को पर्सनल सॉरी मैसेंजर पे मैसेज कर दें, वी वुड लाइक टू टॉक टू यू। अच्छा इस्लाम फोर मैरिजेस इज कंडीशनल सर, वो कह रहे इस्लाम में चार शादियां कंडीशनल कंडीशनल है ना, मगर है तो सही। मुझसे अच्छा, ज्यादा कौन जानता है कि कंडीशंस क्या है, मगर है तो सही ना। अच्छा ये मुझे बताएं, चले ये तो बात आपने एक समझाने की तरह समझाने के लिए आपने बताया कि ठीक है हम इस्लाम के अंदर, अच्छा इस्लाम इज वन ऑफ आई थिंक इट्स द फर्स्ट रिलीजन, आई थिंक इट्स द ओनली रिलीजन जिसने डिवोर्स का राइट दिया था कि yes, कोई रिलीजन ने औरत को डिवोर्स का राइट नहीं, मतलब किसी को भी डिवोर्स का, औरत को भी दिया है मर्द को भी दिया, दोनों को दिया, बाकी रिलीजन में नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये कि दीन को समझे तो सही, पढ़े तो सही, कहाँ कंडीशन है, अगर कंडीशन है तो उसकी वजह क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर ये मुझे तो ऐसा फील होता है कि हम जो अपनी जिंदगी मुश्किल बनाते हैं, अक्सर आप ये कहते थे कि इंसान अपनी जिंदगी मुश्किल खुद बनाता है,
खुद अपनी मुश्किल जिंदगी बनाता है और फिर कहता है अल्लाह की मर्जी है, फिर रोता है। अच्छा ये अल्लाह की मर्जी पे तो मैं लोगों को जितने वर्कशॉप हम करते हैं पूरे वर्ल्ड में करते हैं हम प्रोग्राम्स, उसमें हमेशा एक बात कहता हूँ कि जब आप कहते हैं अल्लाह की मर्जी है तो मुझे प्रूफ दें कि अल्लाह मैंने ईमेल किया आपको, अल्लाह मैंने आपको व्हाट्सएप किया, आपको कैसे पता चला अल्लाह की मर्जी है। उसकी मर्जी तो ये है कि आप जिंदगी अच्छी गुजारो इस दुनिया में भी और आखिरत भी अच्छी हो, ये मर्जी है। रब बनाते ना फिर दुनिया हसना वफिल आखिरत हसना, वो तो कहता है दुआ करो कि अल्लाह मेरी इस दुनिया को भी हसीन बना, खूबसूरत बना, कामयाब बना और आखिरत भी बना। तो इसमें अल्लाह की मर्जी क्या आ गई? आप अपनी कोताहियों पे पर्दा मत डालें, अपनी बुजदिली काहिली नाकामी जहालत पे पर्दा मत डालें। आप ये कहें कि हाँ मेरे से गलती भी, मैंने ये चीज सीखी नहीं, मैंने ये चीज की नहीं, वक्त पे मैंने बीज नहीं बोया इसलिए मुझे फसल नहीं मिली, अल्लाह कहां से आ गया बीज। सो अल्लाह की, अल्लाह बेसिकली इंसान को सिर्फ उसकी आसानियां ही पैदा करता है। बिल्कुल जहाँ, और ये आपका बिलीफ होना भी बहुत जरूरी है। जरूरी है बिलीफ, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ। रूज मैंने अपना नंबर शेयर किया है उस पर, प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दें किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए। अच्छा सर, आज के, आज ये जो मेडिटेशन के हवाले से यू आर सेइंग कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लोग ज्यादा शेयर करेंगे, देयर वुड बी मोर पीपल फॉर द क्रिटिकल मास नंबर दैट वी वांटेड टू हिट, बट मे बी एक बहुत सारे लोगों का टाइम डिफरेंस भी है, सो इंटरनेशनली तो जोन टाइम डिफरेंस तो नहीं कर सकते। जिन्होंने किया है अल्लाह आपको इसका अजर दे, जिन्होंने नहीं किया अल्लाह आपको हिदायत दे। ये क्या कर सकता हूँ, मैंने उरूज ने अपना फर्ज पूरा किया, कर रहे हैं और कर रहे हैं, आप में से जो कुछ कर रहे हैं मैं कह रहा हूँ आपने भी अपना फर्ज पूरा किया, थोड़ा सा अपना हिस्सा डालना चाहिए हम सबको। थोड़ा सा वक्त देखिए ना, हम अभी 6:30 खत्म करेंगे, फिर पूरी सेटिंग होगी सिल्वा की, सिल्वा में कैमरे लगते हैं, लाइट्स लगती है, वो एक लंबा वर्कशॉप जो रात को 10:30-11 बजे तक खत्म होता है, उसके बाद हम खाना खाते हैं, उसके बाद हम सोते हैं, मतलब ये सब कर इसलिए रहे ना कि हमें क्या जरूरत है इसको करने की। अच्छा अक्सर लोग कहते हैं डॉक्टर मुझसे कुछ नहीं कहते, बस आके बातें करते। आप कर ले, आप में सलाहियत है, आप कर ले। But it's such a hard work to give answers to everybody और more importantly to stop them when they keep asking the question. Because sometimes the question, sometimes people are only asking the question and not applying the answer. तुझे सलाम है जो सिल्वा में तेरे पास कल रात को मेरा सेशन एंड हुआ, तूने जो सिल्वा में क्वेश्चंस के जवाब दिए। कई दफा मुझे हैरत होती है कि मतलब हमें कुछ बेसिक कॉमन सेंस के क्वेश्चन भी आने चाहिए ना, कॉमन सेंस के साथ इस्तेमाल करें। फिर नहीं, क्या कर सकते हैं, लोग हर किस्म के होते हैं, हमें तो हर एक से डील करना पड़ता है और उम्मीद करते हैं कि जैसा भी हो बंदा अपनी जिंदगी में कामयाबी हासिल करे। बिल्कुल। अच्छा चले, अब इट्स अभी भी हमारे पास 2 मिनट हैं तो हम और थोड़ी बातें कर लेते हैं। नहीं है ना, कहाँ गया, पढ़ लिया। सवाल है बहुत सारी है। क्या बहनों की शादी? अच्छा मैं नहीं, क्या है पढ़ो, मैं उर्दू बहुत मुश्किल आपने लिखा है उर्दू में इतना दूर। मैंने नहीं, लोगों ने भेजा। डॉक्टर साहब कमोबेश 16 साल पहले हम 3 बहनों की एक ही घर में शादी हुई, मेरी दोनों बहनों की जिंदगी में बेहद परेशानियां हैं, छोटी छोटी बातों पे बड़े बड़े मसले खड़े हो जाते हैं, कल भी दोनों खानदानों का खूब लड़ाई हुई, हम सलाह कराकर थक गए, अब रहनुमाई फरमाए कहीं कोई बद नजर या कोई और बात तो नहीं, बड़ा एहसान होगा। ये खातून ने लिखा है, कहाँ से लिखा है पता नहीं, नाम नहीं बता सकता। नवीद साहब, दैट्स रियली रूड ऑफ यू टू से कि मैं नेक्स्ट ईयर रिप्लाई करूंगी। आई हैव ऑलमोस्ट 600 मैसेजेस वेटिंग एंड आई विल बी रिप्लाइंग टू देम वन बाय वन, आई ओनली हैव 2 hours, सो काइंडली अप्रिशिएट दैट आई एम रिप्लाइंग टू हूएवर आई कैन। दैट्स रियली रूड ऑफ यू टू से दैट आई विल बी रिप्लाइंग टू यू नेक्स्ट ईयर, सो एनीवे कंटिन्यू। अच्छा अब ये एक ही घर में 3 शादियां होंगी तो ये प्रॉब्लम तो होंगे। हम पता नहीं क्यों सही समझते हैं कि आज के दौर में ये बात साइंटिफिकली भी साबित हो चुकी है कि कजन मैरिज से प्रॉब्लम होते हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम होते हैं, बच्चे आपके पैदा होते हैं उसमें प्रॉब्लम होता है, इंटेलिजेंस कम होती है, न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट डिसऑर्डर होता है, कई मल्टीपल मसले प्लस जो सोशल इशूज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर घर में झगड़े नाचाकी है और बहनों के झगड़े घरों में होते हैं तो मेरे ख्याल में बैठ कर बड़ों को एक मीटिंग करनी चाहिए सारे बड़ों को और बैठ के फैसला करना चाहिए कि इन मसाइल का हल क्या, कोई ना कोई कॉमन फैक्टर ढूंढे जिससे लड़का लड़की दोनों के दरमियान प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। हमेशा हमें कॉमन एलिमेंट ढूंढना होगा, कुछ लड़की को चेंज करना होगा, कुछ लड़के को चेंज करना होगा, कुछ लड़की को ज्यादा देना होगा, लड़के को ज्यादा देना होगा, कम टू अ कॉमन ग्राउंड कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्लीज ये करें, उम्मीद करता हूँ कि ये मसला सॉल्व हो जाएगा, कोई जादू बंद नजर ऐसा नहीं है। एस के, दैट्स रियली स्वीट ऑफ यू, अप्रिशिएटेड फॉर
राइटिंग दिस फॉर टू हिम टू रियलाइज दैट सच में सर आपको पता है इतने मैसेजेस आते हैं एंड सम मैसेजेस आर जस्ट लाइक के डोंट मेक सेंस कि मतलब दे जस्ट लाइक और आपको मैंने उस वक्त भी कहा मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का आप करेंगे सो आप लेके काम के मैसेजेस पीछे चले जाएंगे मैं कहीं कहीं थक गया हूं जो मैं रात के लेक्चर में कितने सालों से कह रहा हूं मुझे फोन ना करो मुझे अस्सलाम वालेकुम भी ना करो मुझे दुआ देनी है बस दे दो आपके दिल की दुआ बस मुझे पहुंच जाएगी मगर क्या अगर आप मोहब्बत से भी सलाम कहते हैं ना जैसे दूसरा एक अजीब सी चीज है लोग ए ओ ए कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अच्छा मैं WS नहीं करता WS नहीं करता मैं पूरा वाले को सलाम लिखता हूँ अच्छा सलाम कोई आप पर करे तो जवाब देना वाजिब हो जाता है कैसे समझाऊं मैं वाजिब हो जाता है Yes, we will be doing samra. In fact, we will be doing meditations in inshallah Ramzan. We are planning to do other stuff as well. It would all inshallah be a long session that we will be doing. जिसके अंदर हम बहुत सारा नई चीज़ें करेंगे सो प्लीज़ स्टे ट्यून फॉर रमज़ान अच्छा सर एक आखिरी सवाल इसके बाद आप शुरू हो जाना अपनी मेडिटेशन पे कि कुछ लोग कह रहे हैं कि हम जब शेयर करते हैं तो लोगों को मेडिटेशन पे ट्रस्ट नहीं होता है वो तो नहीं होगा ना देखे ना वो किसी एक दफ़ा बड़ा खूबसूरत बात हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का किस्सा है बड़ा इंटरेस्टिंग है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाजार में से गुजर रहे थे तो एक आदमी घोड़ा बेच रहा था सुनिएगा ये किस्सा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कितने का उसने ये बताई कीमत तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ा देखा घोड़ा बहुत खूबसूरत आपने कहा मेरा तुमसे सौदा हो गया मैं घर जाके पैसे लाके देता हूँ अब ये घोड़ा मेरा हो गया उसने कहा ठीक है आप जाइए आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर की तरफ गए ताकि वहां से दीनार लेके आ सके इतनी देर में दो आदमी और आए वहां से बाजार से गुजरे उन्होंने घोड़े को देखा घोड़े को देखने के बाद उन्होंने घोड़ा बहुत पसंद आया उसने कहा जी ये घोड़ा खरीदना उसने कहा जी मैं बेच चुका हूँ किसको बेच चुका हूँ मुसलमान के नबी को बेच चुका हूँ उसने कहा कितने का बेचा उसने कहा इतने का बेचा उन्होंने कहा हम तुम्हें ज्यादा देते हैं ज्यादा पैसे देते हैं अब वो लालची था उसने उसको दे दिया वो लोग घोड़ा लेके चले गए आज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ लाए आदमी को कहा घोड़ा कहाँ है उसने कहा मैंने बेच दिया क्यों बेचा तुम्हारा तो मेरे साथ सौदा हो गया था उसने कहा जी सबूत है आपके पास कुछ यानी रसूल ने सबूत मांग रहा है क्योंकि वो मुसलमान नहीं था इतने में बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु वो वहां से गुजरे उन्होंने देखा कि रसूलुल्लाह इस घोड़े वाले से कोई आदमी उसे बात करे घोड़ा तो नहीं था पूछा आज रसूल अल्लाह क्या हुआ उसने कहा देखो इसने मेरे साथ सौदा तय किया जबान दी मैं घर गया दिन अल्लाह ने वापस लाया इसने घोड़ा महंगी कीमत में किसी को भेज दिया अब ये कहता है सबूत लाओ तो बिलाल कहते हैं जी मैं गवाह हूं इसका रसूलुल्लाह कहते हैं तुमने थे नहीं जिस वक्त सौदा हो रहा था तो कहता है आपने कहा अल्लाह है मैंने सबूत मांगा मैंने यकीन कर लिया आपने कहा मैंने घोड़ा खरीदा है ये काफी है ये मयार होता है बिल्कुल इंसानी सोच कर छोड़ो कि आपने कहा अल्लाह है तो बस खत्म मुझे यकीन था कि आप गवाह अल्लाह है तो खत्म है अल्लाह है मैंने सबूत तो नहीं मांगा आपसे yes. तो ये कह रहा है कि गवाह नहीं था तो मैंने कहा मैं गवाह हूं चले सो गाइज जो भी कर सकते हैं इस मेडिटेशन को करें वी हैव 984 पीपल थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैं आप लोग सबके क्वेश्चन वन बाय वन आएंगे तो लोग थोड़ा इम्पेशेंट हो जाते हैं ईमेल करते हैं आप जिसका क्वेश्चन आता है हम लिटरली आपको मैं सच्ची दिखाऊं ये देखिए लिखे हुए लिख लेते हैं लिख लेते हैं और फिर हम बारी बारी आपको जवाब देंगे तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो कि एज इफ कि हम नहीं ले रहे आपके क्वेश्चन बट वन बाय वन आएगा फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे स्टार्ट योर मेडिटेशन ईमेल करें ताबिश ने ईमेल आईडी शेयर कर दी है एंड वी विल सी यू गाइस टुमारो टिल देन टेक केयर और अगर कोई नॉट ख्वाह है तो प्लीज डॉक्टर मोइस को मैसेज करें और अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सारे आप लोग कल इंशाल्लाह मुझे भी देखेंगे सो कल मैं और डॉक्टर मोइस एक साथ ऑनलाइन आएंगे तो मैं भी अपनी शक्ल आप लोगों को दिखाऊंगी थोड़ी सी अच्छा जी थोड़ी सी क्या पूरी तैयारी कर ले जिनको पानी पीना हो पानी पी ले कैंडल जलानी हो कैंडल जला ले बच्चों को अपने साथ रख ले मिल के मेडिटेशन करते बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तैयारी कर लीजिए सारी आपने खुली आंख से भी कर सकते हैं बंद आंख से भी कर सकते हैं सिर्फ सोचने का है हम इब्तिदा करते हैं मेडिटेशन की मैं 20 से गिनती गिनूंगा हर गिनती पे आप महसूस करेंगे कि आप पहले से ज्यादा रिलैक्स होंगे 20, 19,
feel going deeper. 18, 17, 16, 15, deeper and deeper, 14, 13, 12, deeper and deeper, 11, 10, 9, all the way deep down now, 8, 7, 6, और गहराई में जाइए, अपने बदन को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, 5, 4, 3, 2, 1, बिल्कुल रिलैक्स हो चुके हैं। अब 3 गहरी सांसें ले ले, हर साल सांस निकालते हुए अपने बदन को और ढीला छोड़े, पहली गहरी सांस ले, सांस निकाले और बदन को और ढीला छोड़े, दूसरी गहरी सांस ले, सांस निकाले और अपना पूरा वजन उस चीज को दे दे जिस पे आप बैठे हो, एक तीसरी गहरी सांस ले और सांस निकालते हुए अपनी तमाम सोचों को सांस से बाहर निकाल दें, फजूल सोचें, फजूल ख्यालात को बाहर निकाल दें। मेरी आवाज पे तवज्जो रखिएगा, आप जितनी भी गहराई में जाएंगे मेरी आवाज आप सुनते रहेंगे, जब मैं 1 से 10 गिनती गिनूंगा आपकी आंखें खुल जाएंगी या आप कम से कम बैरूनी खारजी कॉन्शियस लेवल पे वापस आ जाएंगे। मजीद गहरा में जाने के लिए आपके हाथों की उंगलियों पे तवज्जो करें, इन उंगलियों से आप कितने काम लेते हैं, क्या ये उंगलियां आपकी है? जब आप नहीं थे तो ये उंगलियां कहां थी, और जब आप नहीं होंगे तो उंगलियां कहां होंगी? ये हाथ पूरे बाजू आपके, आपसे पहले कहां थे, आपके बाद कहां होंगे? ये आपका सर, आपकी पेशानी और उसके अंदर दिमाग, जब आप नहीं थे तो ये कहां था, जब आप नहीं होंगे तो ये कहां होगा? इसी दिमाग में सारी अच्छाइयां और बुराइयां हैं, जिंदगी के सारे पछतावे, सारी बेयकीनी और सारा यकीन है, इसी के अंदर सारी उम्मीदें हैं, सारी ख्वाहिशात हैं, सारा यकीन है, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं और यही हमारे जिस्म को कंट्रोल करता है। जब ये नहीं होगा तो हम कहां होंगे, और जब ये नहीं था तो हम कहां थे? हमारा पूरा वजूद जिस्म का ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ, खरबों सेल से बना हुआ, जो आपस में एक दूसरे के साथ मुंसलिक हैं, राबते करते हैं, गुफ्तगु करते हैं। जब हम मोहब्बत करते हैं तो हमारे जिस्म के 100 ट्रिलियन सेल उस मोहब्बत को महसूस करते हैं। जब हमारे मन में गुस्सा हो, बुग्स हो, लालच हो, नफरत हो, हसद हो, कीना हो, तो यही कीना, यही हसद, यही लालच, यही बुग्स पूरे 100 ट्रिलियन सेल में होता है। कितनी जिम्मेदारी है इस खोपड़ी में जो आपका दिमाग है उसकी, कि वो तमाम खलियों को, तमाम सेल्स को किस हालत में रखे। कभी कभी आप अपनी सोच में कहां से कहां चले जाते हैं, तब आप अपने शऊर को जो आपके जिस्म के अंदर है इसको बाहर निकालें, अपनी कॉन्शियसनेस को, और तसव्वुर करें कि आपका जिस्म चारों तरफ से ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे आपकी अवेयरनेस स्प्रेड हो रही है, फैल रही है। जिस्मानी तौर पर आपका हजम वही है मगर आपका शऊर फैल रहा है चारों तरफ। तो फैलते फैलते ये तमाम कमरे में फैल चुका है जहां बैठे, जमीन के अंदर भी जा रहा है, आसमान की तरफ भी जाएगा ये, और बढ़ते बढ़ते आपके तमाम नेबरहुड्स में पहुंच गया है, और बढ़ते बढ़ते तमाम शहर में आपका शऊर, तो पूरा शहर आपके अंदर है और आप पूरे शहर में मौजूद हैं।
आसमान की तरफ भी जा रहा है, जमीन के अंदर भी जा रहा है, फैलते फैलते ये पूरे मुल्क में फैल चुका है। तो पूरा मुल्क आप में है और आप पूरे मुल्क में है। And as it begins to spread further and further in all directions, it is now in the continent that you live, and the continent lives within you. अब चलते चलते पूरी दुनिया में फैल चुका है। आज हम अपने इस कॉन्शियसनेस को जमीन की अताई गहराइयों में ले जाकर फिर ऊपर की तरफ ले जाएंगे। तो आई वॉन्ट यू टू गो डीपर। इस अवेयरनेस को जमीन के अंदर दाखिल करें, चारों तरफ जमीन के और जमीन के अंदर। जैसे जमीन के नीचे जाते हैं आप, रोशनी बंद हो जाती, सिर्फ अंधेरा होता, और फिर एक मकाम ऐसा आता है जो जहन्नम की तरह है। वहां की आग और वहां की गर्मी का अंदाजा नहीं। बस ये याद रखें, जहन्नम इससे भी बुरी जगह है। अब जमीन के अंदर जाने की बजाय अब निकलना शुरू करें और स्पेस में अपने आप को फैलाएं। आहिस्ता आहिस्ता उस निजामे शमशी में जिसमें हमारी जमीन मौजूद है, उसमें तमाम प्लैनेट्स में आप स्प्रेड कर चुके हैं, और फिर सूरज भी अंदर है आपके, और तमाम कुर्रे आपके अंदर है, आप तमाम जगह मौजूद हैं। फैलते फैलते आप निजामे शमशी से बाहर निकले। जो निजामे शमशी कहकशा का हिस्सा है, उस कहकशा में ना जाने कितने हजारों लाखों निजामे शमशी है, सब में फैले। और अब हम उस कहकशा के अंदर हर जगह मौजूद है। अब हम उस कहकशा से निकलेंगे तो ये कायनात जिसका ना कोई इब्तिदा है ना उसकी कोई इंतहा है, हर तरफ स्पेस ही स्पेस है, उस स्पेस में मैं और आप मौजूद हैं। अब यहां से सफर शुरू होता है लाहूत का। मलकूत के बाद ये एक मकाम है लाहूत का। यहां टाइम और स्पेस एग्जिस्ट नहीं करता, यहां दूई नहीं है, ड्वेलिटी नहीं है। ये वो मकाम है जहां हर चीज अपने तौर पर एब्सोल्यूट है, मुतलक है। यहां से आप अपनी जमीन को और बनीन और इंसान को जो जमीन में बसते हैं, तमाम जानवरों को, अल्लाह की तमाम मखलूक को हीलिंग भेजें, हीलिंग दे, दुआ भेजें, दुआ दे अपने दिल की गहराइयों से, जहां बेलौस देने का जज्बा मौजूद है। जिस तरह 9 महीने पेट में पाला, जब दुनिया में आए तो किस तरह हमारा ख्याल रखा बेलौस बगैर किसी गर्ज के। इस बेलौस और बेगर्ज कैफियत से आप बनीन और इंसान को और तमाम अल्लाह की मखलूक को जो दुनिया में बसती है उसको हीलिंग भेजें और दुआ भेजें। जब आप बेलौस होकर और बेगर्ज होकर किसी को कुछ देते हैं तो कुदरत का निजाम है कि वो चीज वापस आपके पास आती है कई गुना बढ़कर। आपकी अपनी जिंदगी, आपकी सेहत, आपकी खुशियां, आपके रिश्ते, आपकी औलाद, आपके माँ बाप, सबको फायदा होता है। आप में से जो भी बीमार है, अगर जिस्म में कहीं बीमारी, अपने दोनों हाथ उधर रखें और रखते हुए बनीन और इंसान को और अल्लाह की तमाम मखलूक को जो दुनिया में बसती है उसको दुआ दें, उसको मोहब्बत भेजें, उसको प्यार भेजें, उसको हीलिंग भेजें। अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में और आखिरत में सबको कामयाब करे, अमन मिले जिंदगी में, सुकून मिले, प्यार मिले, मोहब्बत मिले, सेहत मिले। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको मकसद हयात
से आगाह कर दे, आप अपने मकसद हयात को ढूंढें। अब वापसी का सफर शुरू होगा। एक, अपने इस अवेयरनेस को कम करते जाएं। दो, कहकशां से नीचे लाए सोलर सिस्टम। तीन, सोलर सिस्टम में तमाम कुर्रे और सूरज से बाहर आए। चार, और आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन की तरफ आए। पांच, अब पूरी ज़मीन से सिवट कर अपने कॉन्टिनेंट में आए। छः, और कॉन्टिनेंट से आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क की तरफ आए। सात, अपने शहर की तरफ आइए। आठ, अपने नेबरहुड की तरफ आइए। नौ, अपने घर अपने कमरे में आइए और अपनी ज़ात में अपने जिस्म में वापस आइए। दस, जब आपकी मर्जी हो आँखें खोलिएगा। मैं सेशन की को ख़त्म कर रहा हूँ। कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 6 बजे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, दुआ करते रहिए, दुआ देते रहिए। अल्लाह ताला आपको बेतहाशा खुशियाँ दे, तौफीक दे के खुशियाँ दूसरों में बांटे। पाकिस्तान पाइन।